जय मसीह दोस्तों, मैं हूं निशन अबिनेजर। यीशु मसीह के नाम से आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह हमारे लिए हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मरे गए, लेकिन क्रूस में जो मैं बातें हैं, क्या क्या हमें आशीष चाहिए, वहां से क्या मिलना चाहिए, क्यों मरे, तो अलग अलग बातें हैं दोस्तों। तो मैं उस बात को प्रकट करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या यीशु मसीह हमारे लिए किया है। दोस्तों, सब लोग हमारे कई कलीसियों में क्या कहते हैं, हमें धनी होने की जरूरत नहीं है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, जो है हमारे पास हम उसी में खुश रहें। ज़्यादा सोचे ना, ज़्यादा ज़्यादा चाहना नहीं चाहिए हमें, लालच नहीं करना चाहिए। सही है, लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमें धनी होना जरूरी है। इस वचन के अनुसार एक वचन पढ़ेंगे अभी, देखिए दूसरा कुरिन्थियों 8:1। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत। दोस्तों, यहाँ पर ना जो मकदूनिया कलीसिया है, वहां पर लोग ना अभी कंगालपन में है, मतलब गरीबी में, अभी बहुत गरीब है, उनके पैसे भी नहीं। लेकिन इस वचन में पौलुस क्या कह रहे हैं, उनकी उदारता बढ़ गई है इस गरीबी में। मतलब क्या है, उनकी उदारता बढ़ गई है, मतलब मन से देना, मतलब दान देने लगे बहुत ज्यादा, सामर्थ्य से भी बाहर। अगर पढ़ोगे 2-3 वचन है इसके अगले, तो उसमें लिखा है कि वो अपने मन से दिया, सामर्थ्य से बाहर उन्होंने क्या दान दिया सेवकाई के लिए। तो यहाँ पर क्या अनुग्रह, तो यहाँ पर अनुग्रह क्या है, 9वां वचन देखिए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, ग्रेस जानते हो, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखा दोस्तों, यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मरे, कंगालपन में, गरीबी में, दरिद्रता में हमारे लिए मारे गए, ताकि हम धनी हो जाएं। इस वचन को ध्यान से देखो दोस्तों। कई कलीसियों में कह सकते हैं हमें धनी होने की जरूरत नहीं है, पैसों पैसों की जरूरत नहीं। नहीं दोस्तों, हमें हमें धनी होना चाहिए। यीशु मसीह इसलिए मरे ताकि हम धनी हो जाए, हमारे धन से बाकी लोगों को आशीष मिले, ताकि हम अपने पड़ोसियों में, नेबर्स में, दूर दूर तक सेवकाई के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए। इसके लिए हमें धनी होना है। यही मकदूनिया के कलीसिया के लोग के ऊपर अनुग्रह हुआ, ग्रेस हुआ। क्या हुआ कि वो जितना देंगे उनका उतना ही वो धनी होते जाएंगे, अमीर होते जाएंगे। वो उन्होंने जान लिया, इसलिए उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने, इतने गरीब थे फिर भी क्या, चल कोई चक्कर नहीं, दो यार, किसके लिए दे रहे, यीशु मसीह के लिए दे रहे, कलीसिया के लिए दे रहे हैं, सेवक लोगों के लिए दे रहे हैं, जितना होता है हमसे दे। मतलब उनको अगर 1,000 रुपये भी कमाई होती है, उसमें से भी मेरे ख्याल से 800 रुपये, तो 800-700 तो ऐसे ही दे देते हैं। मतलब कि इतने दयालु थे, इतने दान देने में बहुत उदारता थे, कि जनरस उनमें ज्यादा भर भर के भरी हुई थी, उन्होंने बहुत कुछ दिया। दोस्तों, उन पर ये प्रकाशित हुआ अनुग्रह का, ग्रेस का, कि वो जितना दे रहे थे उतना ही यीशु मसीह उनको अमीर बनाने वाले थे। इसके बाद तो बन ही गए होंगे, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह इसलिए मरे ताकि हम धनी हो जाएं। तो हमें धनी होना जरूरी है, यही ग्रेस है, यही परमेश्वर अनुग्रह है। कई लोगों ने, कई कलीसियों में छुपा दिया कि हमें धनी होने की जरूरत। एक आधा वचन पकड़ लेते हैं कि तुम अपने हिम्मत से अमीर होने की या धनी होने की कोशिश मत करना। सही है वो वचन, लेकिन क्या लिखा है, अमीर होने की कोशिश मत करना। बंदा क्या करता है कि खुद अमीर बनने के लिए कई सारे दो नंबर काम, कई सारे मतलब गलत काम के बारे में सोचता है अमीर होने के लिए। वही वचन है कि अमीर होने के लिए खुद कोशिश मत करना, लेकिन प्रभु मसीह का अनुग्रह क्रूस पर जो हुआ, वो है कि वो हमें अमीर बनाएगा, धनी बनाएगा। तो हमें ग्रेस में आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि हम धनी हो जाएं, ताकि सब लोगों में हम पैसे बांट सकें, सेवकाई में ज्यादा से ज्यादा बांटें। कि तभी तो अमेरिका के लोग भी ज्यादा से ज्यादा सेवकाई में पैसे देते हैं, क्योंकि वो इस अनुग्रह को जानते हैं, इस ग्रेस को जानते हैं, कि ज्यादा मतलब देने से, दान देने से, सेवकाई में ज्यादा दान देने से क्या हो गया, उनका देश अमीर होएगा। इसलिए दोस्तों, हमें भी ये चाहना है, हमें भी दान देना है, चर्च में हमें ज्यादा से ज्यादा दान देना है, सेवकाई के लिए दान देना है, कि हमें क्या होना, हमारे चर्च को अमीर होना है, हमारा देश भी अमीर होना चाहिए। दोस्तों, वहां पे अमेरिका में क्या है कि ग्रेस प्रीचर्स होते हैं, एक कैनथ हैगिन है, वो भी हैं, ऐसे कई सारे बड़े बड़े जो सेवक लोग हैं, जो प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं, धनी होने के बारे में बात करते हैं, कि हमें होना चाहिए, और ताकि दूसरों की मदद कर सकें। लेकिन हमारे कलीसिया में क्या है, हमारे हिंदुस्तान में क्या है, कई सारे चर्च में ग्रेस के बारे में बात नहीं करते, धनी होने के बारे में बात नहीं करते। बस हमें तो प्रार्थना करते रहना है, डरते रहना है, और गरीबी में रहना है, बीमारी में रहना है, इसी में ऐसे ही आदत कर लो, ये भी एक तरह का आशीष है। मसीह में हमें बीमार में रहना है, हमें परेशानी में रहना है, ऐसे रहने रहना करके कौन आएगा फिर चर्च में? चर्च में क्या कोई आएगा फिर? ऐसे कोई नहीं आएगा दोस्तों। अगर हमें किसी को लाना है, तो हमें कैसा होना चाहिए, हमें आशीषित तो होना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदारों ने कितने ताने मारेंगे, क्या मिला आपको मसीह में जाकर, कुछ मिला?
है। तो दोस्तों हमें कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम धनी हो, आशीषित हो, बिना बीमारी के साथ हो। तो हमें ऐसा होना चाहिए। आने वाले दिनों में सब कुछ होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर हो चुका है और हम सब होने वाले हैं दोस्तों। तो आप में से कुछ लोग बोल भी सकते हैं कि अमेरिका में जितना आशीष बढ़ रहा है, जितने रिच कंट्री है, उतने पाप भी तो बढ़ रहा है, व्यभिचार भी तो बढ़ रहा है वहां पर। दोस्तों ऐसा तो पाप में हमारा देश भी पीछे नहीं, सबसे आगे है, क्योंकि सबसे ज्यादा परमेश्वर गुस्सा मूर्ति पूजा से आता है। हमारे देश में कितना मूर्ति पूजा, वो व्यभिचार से भी बढ़कर है दोस्तों। और यहाँ पे भी कोई व्यभिचार की कमी नहीं है, हर जगह कोई ना कहीं। किसी को जज मत कीजिए कि ये देश ऐसा है, वो देश ऐसा है। अपना देश को देखो दोस्तों, पूरी दुनिया को देखो कि हमें आगे बढ़ना है, हमें भी लोगों से पीछे नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब होकर मरे, दरिद्रता में मरे, तड़प तड़प कर मरे। क्यों? ताकि हम खुश रहे। तो शैतान को हमें चिढ़ाना है दोस्तों। अगर शैतान यही चाहता, शैतान तुम गरीबी में, परेशानी में, बीमारी में मरो, बस ऐसी जिंदगी को काटते जाओ, नहीं, उसको हमें चिढ़ाना, दिखाना है भाई उसने यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं। तो हम उसके लिए क्या करना चाहिए? हम उसके लिए जिएंगे, वो भी धनी होकर जिएंगे, रिच बनकर, अमीर बनकर जिएंगे, और लोगों में प्यार, सेवकाई, सुसमाचार बांटेंगे, और वो चिढ़ चिढ़ कर मरेगा शैतान दोस्तों। तो यही है, हमें ऐसे ही चलना है। अब से एक नया युग आ चुका, हम इसी में चलेंगे। दान देना मतलब क्या है दोस्तों? दान मतलब सीड, बीज। बीज की तरह समझो, अगर मान लो किसान है, किसान खेती में, जब अब वो हाथ में बीज है उसके हाथ में, वो क्या देखेगा? बीज देखेगा नहीं, अपना फसल देखेगा। इतने थोड़े से बीज में मैं अगर बोऊंगा, कितने सारे फसल आएंगे, कितने सारे कटाई होगी, कमाई होगी, उसके आंखों में खुशी होगी। यही है दान मतलब बीज। जब आप दान दोगे यानी कि बीज बोओगे, तो क्या होता है? तो फसल उगेंगे, बहुत सारे फसल उगेंगे छोटे छोटे बीज से। वैसे ही आप थोड़े स्टार्ट कीजिए दोस्तों, दान देने में पीछे मत रहिए। 10 मास ये सब आप डरिए मत, दीजिए, दान दीजिए, जितना हो सका उतना दीजिए। 100 रुपये से स्टार्ट कीजिए, 200 रुपये से स्टार्ट कीजिए। फेथ, अब तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, मैं 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000, जिससे लाखों रुपये हो तो लाखों रुपये। हम दोस्तों अभी जितने लोग हैं अभी गरीबी में है या कोई परेशानी में है, जो सोचता है मैं कहाँ इतना पैसा दे पाऊंगा, विश्वास कीजिए, आप एक दिन लाखों रुपए में दान दोगे, ये विश्वास कीजिए। ये देखिए कि बीज है, मैं बीज बो रहा हूँ, इससे क्या होगा? मैं कटाई करूंगा, फसल उगेगा, ऐसे सोच कर दान दीजिए कलीसियाओं में, सेवकाई में दोस्तों। ये क्या है दान देना? एक सीक्रेट है अमीर होने का, धनी होने का। जितना आप दोगे उतना आप काटोगे। एक इंपॉर्टेंट वचन आपको दिखाता हूँ, कुरिन्थियों 9:6 देखिए। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। देखा दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, कि दान देते वक्त हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। जितना विश्वास के अनुसार ही है, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। यानी कि हमें कोई दबाव, प्रेशर में आके नहीं देना, क्या देना जरूरी है, नहीं, खुशी के साथ दीजिए। मैं किसका दे रहा हूँ? अपने खुदा के राज्य के लिए। क्या लिखा वचन में? पहले अपने राज्य को ढूंढो, फिर सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी, पैसा, कपड़ा, रोटी, ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। पहले राज्य को ढूंढो। राज्य को ढूंढो मतलब क्या है? कि परमेश्वर के राज्य के लिए आपको सेवकाई में दान देना है, गिफ्ट देना है, मतलब कुछ भी तुमसे जितना भी होता है उतना दान कीजिए, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, और उसके बाद सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुड़कुड़ा का दान मत देना, दबाव से मत देना, क्योंकि परमेश्वर उसी से प्रेम करता है जो खुशी के साथ, विश्वास के साथ देता है। तो अपने अपने विश्वास के साथ आप बोना, उसके अनुसार आप काटोगे। 8वां वचन देखिए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ, ध्यान से सुनना ये वचन को, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखा दोस्तों, अंडरलाइन कीजिए, सब कुछ हो और तुम्हारे पास रहे, हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यानी कि क्या? हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, हमारे पास धन होना चाहिए, कई सारे चीजें होना चाहिए। किसके लिए? भले काम के लिए। तो हमारे पास होना चाहिए, हमें धनी होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए गरीबी में मरे ताकि हम धनी हो। कंगाल पर इसलिए मरे, हमें दिखाना चाहिए हम भी धनी होंगे, विश्वास होना चाहिए। जो कह रहा ना मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यीशु मसीह में ऐसे ही जी लूंगा, जी ले भाई, जी लो, तुमसे जितना होता है जी लो, तुम किसी काम के नहीं आओगे, क्योंकि तुम अगर तू सेल्फिश है भाई। जैसा ये सोचता है ना, ऐसा बंदा जो सोचता है ना, वो सेल्फिश है। क्यों? क्योंकि वो अपने सोच रहा है, मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए खाना मिल गया, मेरे लिए रोटी मिल गया, मैं ऐसे ही जी लूंगा। जो कह रहा ना मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, मैं अमीर बनूंगा, मैं धनी होऊंगा, लोगों की मदद करूंगा, वो है परमेश्वर का बच्चा। क्योंकि वो सब कुछ सोच रहा है, वो दूसरों के लिए सोच रहा है कि वो दूसरों के लिए खाना खिलाए, दूसरों के लिए मदद करे, ताकि परमेश्वर का राज्य सब जगह बांटे, सब जगह जाए।
तो आप लोग ये भी सोच सकते हो कि कहाँ से लाऊं बीज, किसी के कैसे मिलेगा बीज, मतलब दान हम कैसे करें, किसी के पास होता नहीं। दान भी कौन देगा, परमेश्वर ही आपको देगा बीज, परमेश्वर ही आपको देगा। 10वां वचन देखिए, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। क्या लिखा दोस्तों, कि परमेश्वर ही हमें बीज देगा, परमेश्वर ही उसे बढ़ाएगा। कि मान लो आपको 5,000 में मिल रही है, 10,000 में मिल रही है, उसे पूरी तरह खा मत जाना। जो भी मिल रहा है, सैलरी होगा, कुछ भी होगा, उसी में बीज रखा हुआ है। जैसे आप फ्रूट फल के दुकान में जाते हो, उससे सेब मांगते हो, तो या ये बोलोगे लगे मुझे बीज भी दीजिए, नहीं, वो कहेगा भाई बीज भी इसी के अंदर होता है, क्योंकि फल के अंदर ही बीज है। जैसे सेब लेते हो उसके अंदर बीज है, आम लेते हो उसके अंदर बीज है, वैसे ही तुम्हें जो पैसे मिल रहे हैं ना, जो भी मिल रहे हैं, उसी के अंदर बीज है। उसे ढूंढ कर निकालो, बीज को अलग करो। जैसे आपको 10,000 में मिल रहा है, तो उसमें से बीज को अलग निकालो। वो आपके विश्वास के अनुसार है कि 10,000 में से 5,000 देना है या 3,000 देना है या जैसे मर्जी देना, वो आपके विश्वास के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो इस दोनों वचनों को ध्यान से याद रखना, 2 करिन्थियों 8:9 और 9:8, दोनों वचनों को आप बार बार पढ़कर देखिए, कितना आपको मतलब पता लगेगा सच्चाई क्या है दोस्तों। तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर ने आपके सब कुछ रखा है, फ्यूचर प्लान सब कुछ डिसाइडेड हो चुका है, मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा विश्वास रखिए। पूरा होगा धीरे धीरे, परफेक्ट टाइमिंग पर होगा। कुछ भी मना मत कीजिए कि परमेश्वर मेरे को इतना इतना ठीक है, मेरे लिए इतना क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, कि मेरे लिए इतना प्रॉपर्टी ठीक है, मेरे लिए ठीक है, ना ना मत कीजिए, सेल्फिश मत बनिए। बोलिए परमेश्वर जितना दे सकते हो दो, छप्पर फाड़ के दो, ऐसे बोलिए परमेश्वर, ताकि आपको बहुत ही आशीष दे, ताकि उस आशीष के द्वारा बहकर दूसरे घरों में जाए, सब लोगों के पास पहुंचे वो आशीष। ऐसे बनिए दोस्तों, हम राजा है, हम राजा है दोस्तों, वी आर किंग्स। तो हमें ऐसे होना चाहिए, राजा की तरह होना चाहिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन होने चाहिए, बड़े बड़े टॉपर्स, हर चीज में हमें टॉप होना चाहिए, चाहे वो रिचनेस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज हो, हमें टॉप होना चाहिए, ताकि हम दूसरे लोगों को मदद कर सकें। यही है हम आपके अकॉर्डिंग फेथ है दोस्तों, आप जैसा चाहते वैसे ही होगा यीशु के नाम से। तो मैं यही कहूंगा, मैंने डिफरेंट फेथ होते हैं दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी फेथ अलग होता है, हीलिंग फेथ अलग होता है, डेमन्स कास्ट आउट मतलब दुष्ट आत्मा को बाहर निकालना, वो विश्वास अलग होता है, अलग अलग विश्वास होते हैं। मैं जो अभी बता रहा हूँ प्रॉस्पेरिटी फेथ है, यानी कि धनी होने का फेथ। तो प्रॉस्पेरिटी फेथ के बारे में अभी बता रहा हूँ कि धनी कैसे होना चाहिए, वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण बने आप। तो निश्चिंत रहिए, प्रभु में बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको आशीष दें, और हमारे चैनल को बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए मदद कीजिए, दूर दूर तक फैलाइए। जय मसीह की।